आज लेजेंडरी सिंगर पद्म विभूषण वन एंड ओनली यशोदास जी, के जे यशोदास जी के नाम से आज फंक्शन हुआ, प्रोग्राम हुआ है और उनके नाम से मुझे आज ये अवार्ड मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मैं इन तमाम टीमों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम में इतने बड़े बड़े सिंगर्स आए, बड़े बड़े लोग आए, उसमें मुझे भी आपने आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। बहुत महान कलाकार है और बहुत महान आदमी है, सबसे बड़ी बात है। और मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए है, मैं ये सोच रहा था कि बड़ा ये बात मतलब क्या कहूँ सर, इट्स अ वेरी वेरी सैड कहूँ, नॉस्टैल्जिक कहूँ, एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी मम्मी जो 3 साल पहले कोविड में गुजर गई, जब भी मैं हारमोनियम में गाना गाने बैठता था या कहीं पर बैठता था, हमेशा मुझे बोलती थी कि सुरमई आँखियों में नन्ना मुन्ना वो गाना गाने की। तो यशोदास जी का ही गाना है वो, उन्हीं के नाम का अवार्ड जो है अनएक्सपेक्टेड है, तो अचानक इन लोगों का फ़ोन आया कि आपको ये अवार्ड मिल रहा है, तो उसी मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है। तो वो गाना मैं मंच पे गा नहीं पाऊँगा, आई नो आई नॉट बी एबल टू कैरी दैट सॉन्ग थ्रू ऑन स्टेज, विल मेक मी इमोशनल, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग। और बाकी जिन जिन लोगों को मिल रहे हैं सब बहुत माहिर कलाकार हैं, इट्स गोइंग टू बी अ नाइस इवनिंग। मैं पॉलिटिशियन, देखिए आई एम अ पर्सन, मैं ना पॉलिटिक्स छोड़ के संगीत में आया हूँ, ना मैं संगीत छोड़ के पॉलिटिक्स आया हूँ। जैसे हर कॉइन का दोनों पहलू होता है, एक पहलू में मैं लोगों का भला करता हूँ, अपने को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है उसको निभाने की कोशिश करता हूँ सच्चाई के साथ, उसीलिए जब खड़ा होता हूँ जीतता हूँ, लोग मुझे जिताते हैं। और उसी वैसे ही मैं अगर अच्छा संगीत में डूबा रहता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, मन अच्छा रहता है, अगर अच्छा काम रहता है करता हूँ तो लोग प्यार देते हैं, संगीत और ज़्यादा गहरा होता है, ऐसा ही है। तो पॉलिटिशियन मत कहिए, मैं बाबुल सुप्रियो हूँ, बाकी सारा अच्छा ही बुराई बाकी सारी चीज़ें जो है उसके साथ में पैकेज में। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि यशोदास जी के साथ हमने रिकॉर्डिंग भी की है, फिल्म में गाया है, स्टेज भी कई बार शेयर किया है। मुझे बहुत खुशी कि उनके नाम का अवार्ड मुझे मिला है। ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेट सिंगर वी हैव इन इंडिया। थैंक यू सर। हमें बहुत खुश है क्योंकि 1000 शो करना बोलेगा तो कोई भारी काम नहीं है। इसमें हम लोगों ने बहुत तकलीफ उठाया इतना तक पहुंचने में, और हमारे को इस स्टेज इलाके तक पहुंचाने में हमारे सारे ऑडियंस के सहकार्य रहा, इसके लिए हम यहां तक पहुंच पाए। तो बहुत अच्छी तरह से बाकी सारे काम जोरदार में हो रहा है, तो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है तो अभी पब्लिक ही डिसाइड करेगी। यहाँ तक पब्लिक की सहयोग रहेगा तब तक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यशोदास जी का आज बर्थडे मना रहे हैं, 7 लोगों को सम्मान किया जाएगा और वो उनके गाने भी गाएंगे, तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया? वैसा है कि यशोदास जी के 60वां सालगिरह जो है हम लोग मुंबई में मनाए थे 2010 में, उसके बाद में उनका कहीं 75वां अमृत महोत्सव भी साजरा करने के लिए कोशिश किए थे लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा है कि ये जो 84वां वर्धापन दिवस है अच्छी तरह से सजाए, तो इसके लिए हम लोगों ने सप्तस्वर सम्राट डॉक्टर के जे यशोदास अचीवमेंट अवार्ड करके 7 बॉलीवुड के नामचीन गायकों का पुरस्कार दे सम्मानित करते हैं और इस प्रोग्राम भी आयोजित किया है। किसको सम्मानित कर रहे हैं? अभी इसी में ऐसा है कि ये जो सप्तस्वर सम्राट डॉक्टर के जे यशोदास अचीवमेंट अवार्ड जो पाने वाले हैं, उदित नारायण जी है, तो सुरेश वाडकर है, अनूप जलाटा है, और शबीर कुमार जी है, और शैलेंद्र सिंह जी है, हेमलता जी है, और अपने बाबुल सुप्रियो जी है, ऐसे 7 लोगों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। पीपुल्स आर्ट सेंटर जो है कि सन 1979 में जो बनाया वो राशि एकात्म के मामले में था, तो उनको सारी चीज़ें हम लोग शुरुआत की, तो उसी मकसद से आज भी आगे बढ़ रहा है। सारी देश भाषाओं में हम लोग प्रोग्राम करते हैं राशि एकात्म के मतलब से, और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके देखिए, बहुत
अच्छी बात है, ही इज 84 एंड गॉड मे गॉड गिव हिम अ लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, गुड हेल्थ। और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मेरा अच्छा दोस्त है वो, वेरी नाइस, क्योंकि मैंने उसके लिए मलयालम फिल्म में भी गाना गाया है विच ही कंपोज है, ओह वेरी गुड, इन लेट 70s, ओह वेरी गुड, इज अ गुड फ्रेंड, आई एम सो आई एम ऑनर्ड टू गेट दिस अवार्ड। थैंक यू, थैंक यू। देखिए यशराज जी तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े कलाकार हैं। ये मेरे पिताजी की बदनसीबी है कि जब तक वो आए हिंदी फिल्मों में, मेरे पिताजी का इंतकाल हो चुका था, मैं तो ज़रूर वो हज़ारों बहुत सारे गीत गाते मेरे पिताजी के लिए। ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, ही इज़ अ लेजेंड, आई मीन उनके बारे में कहना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। वो ऊपर वाला उनको बहुत लंबी उम्र दे। और कौन सा गीत बहुत पसंद है? उनका सारे गीत मुझे बहुत पसंद है, खास करके मुझे चिच्चोर का गाना बहुत पसंद है, जब दीप जले आते, ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच जी। मुझे सौभाग्य मिला वो एक अद्वितीय कलाकार है, और मैंने जितना समझा है इज अ पर्सोनिफाइड म्यूजिक, तपस्वी है और बहुत अच्छे इंसान है। इज लाइक माई एल्डर ब्रदर, उन्होंने हमेशा मुझे छोटी बहन का सम्मान दिया, ये मेरा सौभाग्य। आपने तो उनके साथ बहुत सारे वर्ल्ड टूर भी किए। बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत काम किए। चिच्चोर का एक लाइन, बस एक लाइन, कोई भी गाना जो आपको याद आ रहा है। मेरी सांस में चढ़कर आई तो हिमांशु मिल ही नहीं। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि ऐसे गायक का गाना गाने का मौका मुझे मिल रहा है। लोग कहते हैं कि आप यशुदास जी की आवाज़ हैं, लेकिन ये आवाज़ नहीं है, बस एक उनका जो फील है, उनके पथ पर चल रहे हैं, उन्होंने जो गाया है उसको अच्छी तरीके से पेश करके लोगों का दिल बहलाने का एक छोटा सा कोशिश है ये। बट आई रियली फील ब्लेस्ड टू बी सिंगिंग सच अ ग्रेट लेजेंड सॉन्ग्स, एंड आई एम इवन मोर ब्लेस्ड व्हेन पीपल स्टार्ट लविंग माय परफॉर्मेंसेस। एक लाइन गाके आप कौन सा गाना सुनेंगे यशुदास जी का, आप बताओ। सुरमई अखियों में, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारो ओ रारी रारो। थैंक यू। जो कि इतनी अजीब महान हस्ती, लेजेंडरी, उनके लिए तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती के बर्थडे पे हमको नवाजा गया, ये बहुत बड़ा मेरा भी सम्मान है, मैं कहना चाहूँगा। और मुझे एक कस्सा याद आ गया दद्दू का, कि दद्दू ने उनका बेशुमार गाने गवाया, बहुत प्यारे गाए, वो भी अमर हैं। एक बार दद्दू ने कहा था कि अगर दोबारा मुझे रोशनी मिली तो सबसे पहले मैं यशुदास को देखना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आपको उनका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा लगता है? बहुत से गाने, बहुत सारे, अनगिनत, मैंने भी उनके काफ़ी गाने गाए। अच्छा जी, एक लाइन कोई गाने के गाने, ये दादू कौन सा, आप किसकी बात कर रहे हैं? रविंद्र जैन की बात, रविंद्र जैन जी ने, हाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा म्यूजिक दिया, और हेमलता जी ने सबसे एज अ फीमेल उनके साथ गाया। तो शिविर मैंने कभी सर एक एक लाइन कोई भी उनका एक लाइन गा दीजिए हमारे ऑडियंस को। आज से पहले, आज से ज़्यादा, आज से पहले, आज से ज़्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी है ये ऐसी खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। मैं 84 बर्थडे पर, यशोदास जी के बर्थडे पर, हम सबको संगीत संगीत प्रेमियों को मुबारकबाद देता हूँ मैं। ठीक सर, ठीक है, मुझे बहुत ही ओरिजिनल संगीतकार, बहुत ही बड़े गीतकार, संगीत के चाहने वालों की जान रविंद्र जैन साहब। मैं या हम जैसे कई सुनने वाले, संगीत को समझने वाले तो नहीं कहूँगा मैं, सुनने वाले जो लोग, सुनने के शौकीन जो, वो आज तक डिसाइड नहीं कर पाए कि रविंद्र जैन साहब गायक बड़े थे, संगीतकार बड़े थे या गीतकार बड़े थे। हर चीज़ में वो बड़े थे, और इंसान तो इतने बड़े कि जिसकी हद नहीं, छोटे को बड़ा बना देते, एक मिनट में बड़ा बना देते, प्यार से, अपने मोहब्बत से, उनके साथ
कई सारे उनके बर्थडे में उनके घर पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कई जगह पे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब भी मिलते थे वो बहुत ही प्यार से मिलते थे। हमारी फिल्म मनी बैग गारंटी आपने देखी होगी, उसमें एक सीन है जिसमें जज की रोल ज़रूरत थी मुझे, तो श्रवण जी को मैंने रिक्वेस्ट की और दादू को रिक्वेस्ट की और दोनों ने एक झटके में मुझे हाँ कहा। आज दोनों हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दोनों का आशीर्वाद रहती दुनिया तक रहेगा जब तक संगीत को समझा जाएगा, जाना जाएगा, प्यार किया जाएगा। श्रवण जी और रविंद्र जैन साहब दोनों हमारे लिए हमारे दिल में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। थैंक यू। मम्मी को वो गाना बहुत पसंद थी, जब भी घर पे हम लोग बैठते थे सब मिलके गाना गाने के लिए, डैडी, मेरे अंकल, बुआ, ये सब, मेरे ग्रैंडफादर, सब जब बैठते थे मम्मी जरूर बोलती थी कि वो गाना गाओ। तो 3 साल पहले कोविड में मेरी मम्मी चली गई, तो ये बड़ा अजीब सा माहौल चीज़ है कि मुझे ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यशोदास की जी के नामांकित ये अवार्ड जो है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को जोड़ती है, उसलिए मेरे दिल के तार को भी थोड़ा छेड़ती है। उसलिए वो गाना मैं गा नहीं पाऊँगा, मुझे मालूम है कि वो मैं पूरा गा नहीं पाऊँगा, लेकिन उनके उनके सम्मान में मैं ज़रूर एक दो गीत जब आप मुझे बोलेंगे। आ गई हूँ, एक आप सब जानते हैं उनके साथ मैक्सिमम गाने गाने का मुझे सौभाग्य मिला। यशोदास जी के लिए कुछ कहना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि शब्द ही नहीं मिलते। इतना ही कहूंगी कि आज उनका ये प्यार है, उनकी उनका जो योगदान है संगीत जगत के लिए, चाहे वो फिल्म के द्वारा हो या मंच के द्वारा हो, उस इज्जत, उस गरिमा में व्यक्ति के लिए आज जो लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, अभी बाबुल सुप्रियो गा रहे थे, अनुज जी बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े गायक सिंगर्स जो शैलेंद्र सिंह आ चुके हैं, इनके साथ भी मेरी गीत सुने होंगे आपने, तो ये सब यशोदास जी के लिए मैं ये कहूंगी कि सुरों की दुनिया में ये सारे दे ऑल आर पर्सोनिफाइड म्यूजिक नोट्स लाइक शरद, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम। दिस म्यूजिकल गैलेक्सी इज देयर टू पे देयर रिगार्ड्स, लव एंड अफेक्शन टू यशोदास। उनके साथ गाने तो आप मेरे सुनते ही, लेकिन मैं जो अनुभव मैंने किया उनके साथ, अनकाउंटेबल शोज, इयर्स एंड इयर्स, ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फिल्म तो है ही, फिल्म के अलावा और भी पता नहीं कितनी भाषाओं में। मुझे कल परसों एक व्हाट्सएप हमारे किसी फैन ने भेजा जिसमें मैं यशोदास जी के साथ उड़िया गाना गा रही हूँ, म्यूजिक सलील चौधरी का है। मैं खुद याद कर रही थी कि कब गए थे यशोदास। उन कलाकारों में से हैं जो पूरी तरह से संगीत को समर्पित हो जाते हैं। He was personified music. उनकी आवाज, उनकी साधना, ऐसा लगता है कि जैसे जब वो यहां के नहीं, वो देवलोक के हैं। मुझे उन्होंने अपनी छोटी बहन का जो सम्मान दिया, इतना प्यारा बड़ा बेटी पाकर कौन सी बहन को गर्व नहीं होगा, मुझे भी है।
और इस मंच से और पिल्ले साहब की इस खूबसूरत कोशिश और इस गरिमामय प्रोग्राम आयोजन के लिए बधाई देते हुए मैं यहाँ से भाई यशुदास आपको इतना ही कहती हूँ कि भैया अभी शो बाकी है, शो अभी बाकी है, फिल्म इंडस्ट्री में आपकी आवाज मिसिंग है, आप आया करें, सुबह आए शाम आए, जब दी जले जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, लेकिन गाना गाना और इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाइए, क्योंकि आप फिल्म जगत के लिए गौरव का प्रतीक हैं, इस देश की धरोहर है। आई एम विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मोर एंड मोर सक्सेस एंड ऑल द विशेस विथ योर फैमिली। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यशुदास। यशुदास से मेरा संबंध 1974 से है, जब हम दोनों जवान थे। वैसे मैं तो अभी जवान हूँ सुरेश। और एक दिन यशु ने मुझे फोन किया कि मुझे एक फिल्म मिली है जिसमें म्यूजिक दे रहा हूँ, मलयालम फिल्म, और उसमें तुमको गाना है। तो 20 दिन तो मैं छुपता रहा, भागता रहा, तो फिर उसे पकड़ लिया मुझे। और फिर मैंने कहा यार मैं नहीं गा पाऊंगा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, पर तुम गाएगा। अरे मैंने कैसे गाएंगे जो वर्ड्स ही नहीं समझ आएंगे, तो बोलते नहीं तुमको गाना पड़ेगा। तो हिम्मत करके मैंने वो गाना गाया, यशु ने कंपोज किया था फॉर मलयालम फिल्म, और इत्तेफाक से वो ठीक हो गया। मैं बोल की बात कर रहा हूँ, और ये अलग बात है कि एक महीना लगा मेरे जीभ को सीधा होने में। लेकिन बहुत अच्छा गाना था, याद तो नहीं है, लेकिन मैं अगर वो भी यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आप सब के माध्यम से मैं उनको विश करता हूँ अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मेनी मोर टू कम। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, हैव अ ग्रेट ईयर एंड गुड हेल्थ। थैंक यू। तालियां, तालियां, तालियां। अनिल जी बोलिए। अरे अनिल जी नहीं, सुरेश जी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ गोप कुमार जी का, जिन्होंने इस दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स हमारे पंडित यशुदास जी के नाम का ये पुरस्कार मुझे दिया। मेरे अजीज दोस्त शैलेंद्र सिंह, मेरा और एक अजीज दोस्त भाई अनूप जलोटा, मेरे और एक दोस्त श्री शब्बीर कुमार जी, हेमा दीदी जिसके साथ मेरा करियर शुरू हुआ, जिसके साथ गाने से बृष्टि पड़े, तापुर टुपुर, और भी उस फहरिस्त में
उदित नारायण है, बाबुल अभी निकल गया, तो इनका भी बहुत बहुत उनको बहुत बहुत उनका अभिनंदन जिनको इस खूबसूरत अवार्ड से नवाजा है। पंडित यशुदास हमारे लिए हमेशा इंस्पायरिंग वॉइस रही है, क्योंकि हम लोग यंग थे तो नए नए यशुदास जी आए थे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। ये गाना गाया करता था मैं, जब बाद में उनसे मुलाकात हुई, दादू के यहाँ बहुत मिलते थे हम लोग और मुझे बहुत प्यार करते थे। अभी वो मेरे ख्याल से कितना, ऑलमोस्ट 84 ईयर्स की उनकी आयु हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो सेंचुरी भी मारे और उसके आगे भी चलते रहें और हमको अच्छे अच्छे गाने उनसे सुनने को मिले, यही भगवान से प्रार्थना करूंगा। वंस अगेन गोप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अवार्ड जो मुझे मिला है, हालांकि मैं आ नहीं पा रहा था, मगर गोप जी का बहुत मैसेज आ रहा था और बस पहुंच गया हूं मैं। थोड़ी थोड़ी तबीयत नरम है तो नहीं गाऊंगा, चलेगा ना? गाने के लिए बस जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आज के समय पोलिस आयोन बसला है का आत्मा रे। आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। सबसे पहले तो आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जीनियस लेजेंडरी सिंगर पद्म विभूषण ऑनरेबल के जे यशोदास जी का जन्मदिन है, तो मैं चाहूंगा कि वो हजारों साल जिए। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू लेजेंडरी के जे यशोदास जी, कंप्लीटिंग 84 ईयर्स, क्या बात है। और अभी भी यंग लगते हैं, क्योंकि इतना योगा करते हैं, इतना मन अच्छा है उनका, इतना दिल अच्छा है उनका, और जो सुर लगाते हैं, हम तो जब से होश संभाले हैं तब से उनका गाना सुना है। मुझे अभी तक याद है कि यशोदास जी और हेमलता जी साथ में एक से एक गाने गाए, जिसका कंपोजिशन हमारे दादू ने किए। रविंद्र जैन जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं लेट इसलिए आया हूं कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि फिल्मी लोग हैं तो ये कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा ही, लेकिन सबको पता है, हमारे हिमांशु जी को भी पता है, इनको भी पता है कि मैं यशराज स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसके बाद 12 तारीख का मेरा फंक्शन है वहां, क्या नाम, शनोखानंद हॉल में, उसके रिहर्सल थे, कई प्रॉब्लम्स थे, फिर भी मैं सोच में पड़ा था कि मैं अटेंड कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन थैंक्स टू गॉड एंड आप लोगों का प्यार ने मुझे खींच लाया। जोरदार ताली हमारे लेजेंडरी ऑनरेबल पद्म विभूषण के जे यशोदास जी के लिए जोरदार ताली। एक से एक उन्होंने गाने गाए हैं, ऐसे ऐसे गाने गाए हैं जो हम लोगों के लिए एक किताब है,
कि हम लोग जब भी उसको पढ़ें सुने सीखें तो हम लोग बहुत कुछ सीखते आ रहे हैं और हमेशा सीखते रहेंगे। तो मैं, मेरी आवाज बैठी हुई है, मैं ज्यादा नहीं गा सकूंगा जी। हमारे समृद्ध जी भी बैठे हुए हैं, मदन मोहन साहब के बेटे, वो भी, मेरा भाग्य देखिए कितना अच्छा है कि आफ्टर सो मच स्ट्रगल हमारे शब्बीर भाई भी बैठे, इनके लिए जोरदार ताली। अनूप जी ने क्या समा बांधा है, उनके लिए जोरदार ताली। और जितने लोग यहाँ आप सब लोग आए हैं, मैं आप लोगों को अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। जी जी सर, ठक्कर जी भी बैठे हुए हैं, तो मैं क्या कहूँ, मुझे तो जी काम करते हैं। अरे देखो आप कितने सोच रहे थे ये आएगा नहीं, लेकिन आया ना। इट्स अ प्लेजर कि उनके नाम से कौन नहीं आएगा, पूरे हिंदुस्तान आएंगे, पूरे साउथ इंडिया आएंगे, है कि नहीं। दो लाइन मैं उनके जैसा तो गा नहीं पाऊंगा, लेकिन उनकी याद में है, उनकी याद में मतलब वो जहां भी है वो खुश है, बहुत खुश है।